लगाया मनीषा रानी पे इल्जाम, फुकरा इंसान ने तभी के तभी ले लिया स्टैंड और लेना भी चाहिए था। यहाँ पर ये दोस्ती तो बहुत अच्छी दिख रही है कि प्यार से ऊपर जो है बहन के रिश्ते को रखते हैं, दोस्ती के रिश्ते को रखते हैं फुकरा इंसान, पर जिया शंकर को भी छोड़ के देते नहीं है। जिया शंकर को भी वो प्यार करते हैं क्योंकि उनकी जुबान से ये चीज निकल तो गई है। वहीं पर ये सब चीजें हुई होने के बाद जो है फुकरा इंसान कुछ बात करते हैं कि तू ऐसा बोल रही थी वैसा बोल रही थी, नहीं बाबा मैं ऐसा नहीं, तू ऐसा नहीं, इसी ने बोला होगा, मनीषा ने तुझे बोला होगा, वो ही तुझे ये सब चीजें बताई होगी। तो जहां पर फुकरा इंसान बोलते हैं कि उसने तेरे बारे में कुछ नहीं बोला, इवन वो तो तेरी तारीफ कर रही थी, तुझे मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी, उसने तुझे कुछ भी नहीं बोला और वो ऐसा आग लगाने का काम करती नहीं है, एक बात ये हो गई। और फिर वो ये बात बोलते हैं कि तेरी में लड़ाई हुई है, तूने मतलब कि मैं राइज हुआ हूँ तो तू भी राइज हो गई है, तू भी गुस्सा हो गई है। मेरा और मनीषा के बीच में कभी ऐसी लड़ाई होती है तो दोस्त समझ के मैं बोल देता हूँ कुछ, तो वो चुप रहती है, और जब वो गुस्सा होती है तब मैं चुप रहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जो है बैलेंस करते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, तो तुझे ये चीज़ नहीं आता। यहाँ पर घर जाके तू अपने एपिसोड देख लेना, कितनी भी पहली बार मैंने तेरे ऊपर ये सब चीज़ें की हैं, कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ भी हुआ है, मैं कभी भी तेरे ऊपर ऐसा गुस्सा नहीं हुआ, एक बार गुस्सा हुआ था मैं वहां से वॉकआउट कर गया था, अब जब मैं पहली बार तेरे ऊपर गुस्सा हुआ तो तू उस चीज को संभाल नहीं पाई, मैं हमेशा प्यार से बात करता हूं, एक बार तो संभाल नहीं पाई है, ये चीज जो है फुकरा इंसान कहते हुए नजर आते हैं। भाई एक बात है, ऐसे मेरा दिल नहीं टूटा कि फुकरा इंसान जिया की तरफ चले गए, अब भी फैन डेफिनेटली खुश होंगे, पर जिया जो है अभिषेक के लिए सही नहीं है, इतनी बात मैं बोलूंगी, पर बाकी उनकी लाइफ है, उनको जीना है, जो भी करना है उनको करना है, कर लो भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मनीषा के साथ, मनीषा तो अभी अभिषेक से प्यार करती नहीं है, उन्होंने अपना रिश्ता जो है क्लियर बता दिया है, मनीषा ही अकेली स्ट्रांग और ठीक है। अब आप क्या कहते हैं बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।